ये है होटल एवेन्यू मनाली। मेरे ख्याल से अगर आप ये व्यू देखो तो गाइस यहाँ का व्यू देख लो, बहुत प्यारा व्यू है। बाकी हमने यहाँ पर प्रसाद ले लिया है, ये सारा वुड से बना हुआ, पूरा मंदिर वुड से बना हुआ। बाकी थोड़ा बहुत इसके अंदर लकड़ लगाई है क्योंकि बहुत पुराना स्ट्रक्चर तैयार है, हमें पूछा हमने। बाकी ये पूरा हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब सुबह के बज चुके हैं 8:30, हम उठ चुके हैं आफ्टर 29 आवर्स लंबी जर्नी के बाद हम मनाली पहुंचे, जैसा मैंने रात को बताया आपको। और बाकी सुबह उठे हैं, मैं आपको होटल का व्यू दिखाता हूँ। रात को तो मैंने गेट खोल के दिखाया था, कुछ भी नहीं दिखा होगा, लेकिन अब दिखाता हूँ। तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया व्यू है, बहुत अच्छा होटल का अरेंजमेंट भी है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आजकल तो सब जगह वाटर सप्लाई कम चल रही है, तो ये कह रहे थोड़ा सा पानी की दिक्कत है, हमें थोड़ी देर पानी आ जाएगा। बाकी खाना भी बहुत अच्छा था रात का। विंडो है इधर देखो, ये हमारा होटल विंडो है जो रूम के अंदर, यहाँ पर ये ब्यास नदी बह रही है और ये हमारा बैक साइड है रूम का जो बहुत ही प्यारा है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ज़्यादा ही सुंदर नज़ारा है, देख के आपको दिल खुश हो जाएगा। और बाकी कभी भी आओ तो ये होटल एवेन्यू के नाम से है, इसको बुक करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। व्यू इतना प्यारा है कि मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल। तो गाइस अभी नहा धो के ब्रेकफास्ट करके फिर मिलेंगे, और बाकी व्यू बहुत अच्छा है। बाकी आज का प्लान हमारा है कि सोलांग वैली जाएंगे हम लोग, तो सोलांग वैली के लिए रेडी होते फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस हम घर की लेडीज़ हो, कुछ नहीं कर सकते, इतना महंगा होटल लिया, सब कुछ लिया, फिर भी देखा हूँ एक चीज़ देख लो, कपड़े धो लिए, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ब्रेकफास्ट कर ले फिर बात करेंगे नहा धो के। बाकी वॉशरूम का जो है गीज़र भी लगा हुआ, ठंडा गर्म पानी दोनों आ रहा, मज़ा आ रहा। तो गाइस मैं नीचे जा रहा हूँ, तो नीचे जाकर पता करता हूँ आज का क्या है स्केड्यूल, क्या है हमारा घूमने का। बाकी मुझे पता नहीं, कल तो हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया था, कहीं जा ही नहीं पाए हम लोग, तो आज मैं जा रहा हूँ, देखते हैं क्या शेड्यूल है। तो नीचे पहुँचता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। दादा की खबर भालो। गाइस मैं आपको डाइनिंग एरिया दिखाता हूँ, यहाँ पर आज का प्लान हमारा बन चुका है जहाँ जाने का। तो बाकी मैं डाइनिंग एरिया दिखाता हूँ जहाँ पर सब डिनर करते हैं, लंच करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। और आपको पता ही है जब भी किसी होटल में आप रहने के लिए आओगे तो वहाँ पर जो लंच होता है, लंच ऑलरेडी बाहर ही होता है, क्योंकि घूमने फिरने जाओगे तो बाहर ही हो जाता है एक तरीके से। तो बाकी जो ब्रेकफास्ट डिनर होता ही होता है, बाकी अगर आप चाहते हो डिनर नहीं करना तो लंच भी कर सकते हैं। बाकी आपको दिखाता हूँ, देखो डाइनिंग यहाँ पर ये टाइमिंग लिखा हुआ है, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग क्या, डिनर का टाइमिंग क्या, बाकी आपको सारा कुछ रूम में अवेलेबल हो जाता है। ये इनका डाइनिंग एरिया, ये डाइनिंग एरिया इनका, ये डाइनिंग एरिया सारा, यहाँ ये बुफे लगा हुआ था जो जो खाने के लिए। बाकी तो बहुत बढ़िया। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, मैंने रूम में ही मंगा लिया, मैंने डाइनिंग रूम में नहीं किया, रूम में मंगा लिया। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। तो गाइस ये आइए चाय मंगाई है, और आज का जो ब्रेकफास्ट का मेन्यू है इनका, पूड़ी और सब्जी। मैंने भी सब्जी टेस्ट करी, थोड़ी सी पूड़ी टेस्ट करी, बहुत यम्मी है, और खाना सच में इस होटल का बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो मिलते हैं, और आज का हमारा प्लान ये रहा, मैंने को बताना भूल गया, अभी तो मैं करूँगा रेस्ट, लंच टाइम पर निकलेंगे बाहर हडिम्बा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल और जो चका नियर बाय जो तो जो कुल्लू नियर बाय एरिया वो घूम लेंगे, मतलब कि लोकल साइड सीन कर लेंगे। और कल का जो प्लान रहेगा हमारा सोलांग वैली, अटल टनल और रोहतांग पास के लिए, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट कर लूँ फिर आपसे बात करते हैं। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं नाश्ता वाश्ता करके, नाश्ता भी बहुत अच्छा था। और अभी जो बाहर का व्यू है ना, बालकनी में खड़े हम लोग, आप देखोगे दिल खुश हो जाएगा, देखो मतलब बहुत ही शानदार व्यू है, मैं क्या बताऊँ, मैं उसको बोल नहीं सकता। फिर भी आप देखो, आपको बर्फ़ दिख रही होगी ऊपर से, तो बर्फ़ देखो, देखो स्नो स्नो दिखाता हूँ आपको, स्नो, ये सारा जो वाइट वाइट देखो, सारा स्नो है। वो यहाँ बियर पार्टी भी हुई है, तो बाकी बिस्टी भी थोड़ा परेशान कर रही है, तो बाकी मेरे भी थोड़ी सी तबीयत खराब सी लग रही है, पेट में थोड़ा ख़राब लग रहा है, क्योंकि जर्नी इतनी ज़्यादा हो गई है, थोड़ी थकावट नहीं है मुझे अभी भी आ रही है। अच्छा ऊपर का भी फ्लोर है, हमें नीचे वाला रूम दिया, कोई दिक्कत नहीं है, रहना सब एक जैसा ही है, सारे फ्लोर एक जैसे दिखने में, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ी देर मिलते हैं, देखो पौधे लगे, बड़े सारे प्लांट लगे हुए यहाँ पर। बाकी ये सारा व्यू है इसका, दिख रहा होगा मेरे पीछे का व्यू भी दिख रहा होगा, ये होटल का यहाँ पर है। बाकी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ उसका व्यू, देखो थोड़ा सा नीचे से। गाइस देखो ये इसका व्यू है, ये पूरा एरिया है, देखो रिसेप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर,
मतलब एंट्रेंस दूसरी तरफ से ही है, इसका बैक साइड है जहाँ पर ये ब्यास रिवर जो है ये बह रहा है, बहुत बढ़िया। ये भी इन्हीं का ही है, मतलब इनका ब्यास रिवर नहीं है, मतलब यहाँ से रास्ता है जाने का, आप नीचे जाके बैठ सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, पूरी पार्टी इन्जॉय कर सकते हो। बाकी ये प्लांट व्लांट लगे हुए, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। जिस तरीके से मैंने पैकेज बुक किया था, मैंने एक्चुअली पैकेज सीधा इन्हीं के होटल से बुक किया था। रात को हम आए, मतलब बहुत देर तक जगह रहे, 11 बजे तक। भाई घर का है आपका कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में बहुत अंदर है। कहाँ पर अंदर तो बताओ। पश्चिम मेदिनीपुर। कहाँ पर? बेलदा, एगरा। देखो भाई हमारे गांव के है, मेरा घर है दांतन, इनका घर है एगरा। एक और भाई इधर काम करते, वो बेलदा में रहने वाले हैं, तो ये भी बंगाली, हम भी बंगाली में, तो एकदम भलो आज एखने एकदम परफेक्ट एखने सब भाई मेरे अरेंजमेंट है कि मंदिर है। तो भाई ये मंदिर ही है, जैसा हमने बोला मंदिर ही है। बाकी हम बात करेंगे दो दिन यहाँ पर, दो दिन आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है भाई। मुझे पता है बड़ी दिक्कत हुई कि 29-30 घंटे के बाद हम यहाँ पहुँचे, लेकिन सच में बहुत अच्छा था। तो बाकी मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ इसका, फिर पेमेंट करके फिर रूम में चलेंगे। देखो गाइस, ये है होटल एवेन्यू मनाली, रिवर साइड रूम, कैफ़े, कैंप, बॉनफायर, डीजे पार्टी, सब कुछ अरेंज है। फ़ोन नंबर यहाँ गिवन है। ये रंगरी चौक थोड़ा सा आगे है, ये रंगरी का HP का पेट्रोल पंप है। हम लोग जस्ट यहाँ से आए थे, मतलब ये NS 21 या NS 3 पे पड़ता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जिस बस में आया तो डायरेक्ट है। और ये वहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके ओनर है मेरी, जिनसे मैंने बुक करवाया था, ये उनका ब्रदर है, छोटे ब्रदर है, तभी पेमेंट करेंगे। तो यहाँ मम्मा और बेटी की हमारी जो है शूटिंग चल रही है, फ़ोटोशूट हो रहा है तगड़े तरीके से। और दृष्टि तो हमारी देख लो, उसको सामने मिल गया मंदिर, तो अब वो बस अब उसका वहीं पर खड़े रहने की इच्छा हो रही है उसको बहुत ज़्यादा। तो कहीं से हम निकल रहे हैं घूमने को, तो मैं भी थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, बाकी लॉक कर दिया रूम। तो आज का जो सफ़र है हमारा हिडन मधेपुर टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, और भी दो तीन जगह पर है, तो जैसे जैसे जगह पहुँचेंगे तब तक वहाँ हम मीट करेंगे, ठीक है। जो दिल्ली से आ रहे हैं, जो मोमोज के शौकीन हैं, उनके लिए बेस्ट है। और दो तीन चीज़ यहाँ खास बात की, सब कुछ दिखाता हूँ मैं आपको, और जब आओगे ना तो ये चीज़ हर चीज़ की फैसिलिटी आपको यहीं मिल जाएगी। अभी देख, तो गाइज ये है हमारा होटल जहाँ हम रुके हुए हैं, ठीक है। उसके जस्ट साथ में एक वाइन शॉप है, तो जो लोग वाइन के शौकीन है, बियर के शौकीन है, वो यहाँ से ये पी सकते हैं। प्लस उसके साथ में एक ये है न्यू हिडम्बा भोजनालय, यहाँ पर आपको देखो लिस्ट पूरी दिखा देता हूँ आपको क्या क्या अवेलेबल है। देखो वेज चाप में अफगानी चाप, मलाई चाप, पूरा मेन्यू देख रहे होंगे यहाँ पर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ऊपर से खास बात और एक चीज़, मोमोज़ के शौकीन को मोमोज़, और दूसरी चीज़ साथ में एक और शॉप है जहाँ पर तुम्हारा चिप्स, नॉर्मल स्नैक आइटम मिल जाता है। तो अभी हम लंच करने जा रहे हैं, लंच में जो हमारा हमने लिखा मोमोज़ कि थोड़ा मोमोज़ खा के फिर निकलेंगे, फिर वापसी आके फिर बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो जैसे ही मोमोज़ आते फिर मैं दिखाता हूँ। और रेट भी बहुत सस्ता है, मतलब कि दिल्ली में भी जो रेट लगेगा सेम रेट यहाँ पर भी, कोई रेट महंगा भी नहीं। तो गाइस हमारा लंच आ चुका है, मैं आपको लंच दिखाता हूँ। ये लंच हमें मोमोज़ मिले 100 के 10 पीसेस। हम लोग के बाहर जाते हैं तो मोमोज़ इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन यहाँ पर आए ये मोमोज़ टेस्टी भी है। तो काफ़ी जगह गया मोमोज़ बनाते नहीं, फिर भी जैसे मैं अपने बंगाल गया था तो वहाँ पर मोमोज़ बहुत महंगे भी थे, मज़ेदार भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर टेस्टी भी है और सस्ते भी हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं, ये हमें ऑल्टो प्रोवाइड हुई है यहाँ से, जिस होटल में मैंने बुकिंग करी हुई है। तो और इतनी अच्छी वादी है, आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। बाकी अभी जा रहे हैं हम हिडम्बा माता टेम्पल, तो वहाँ से फिर पहुँचेंगे तब हम बात करेंगे। बाकी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, साइड व्यू कितना अच्छा है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं हिडम्बा टेम्पल, तो वहाँ पर जा रहे हैं, तो बाकी आपको व्यू दिखाते जाते जाते, तो फिर वहाँ पहुँच के फिर बात करेंगे। मैं आ गया, मेरी फैमिली कह रही है भैया अब हम भी चलेंगे अगली बारी। गाइस हम हिडम्बा टेम्पल पहुंच चुके हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो, तो बहुत ही खूबसूरत है, मतलब ये पूरा वन विहार के अंदर स्टेब्लिश है। दिखा देता हूँ आपको, देखो दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल। तो गाइस यहाँ का व्यू देख लो, बहुत प्यारा व्यू है। बाकी हमने यहाँ पर प्रसाद ले लिया है, प्रसाद खा के थोड़ा सा ऊपर जंगल वंगल में जाएंगे। ये जो पेड़ है, इस पेड़ से ये पूरा लकड़ा का मंदिर है, पूरा जो है लकड़ का, ये देखो पूरा का पूरा, अगर देखा होगा देखो।
ये सारा वुड से बना हुआ, पूरा मंदिर वुड से बना हुआ। बाकी थोड़ा बहुत इसके अंदर लकड़ लगाई है क्योंकि बहुत पुराना स्ट्रक्चर तैयार है, हमें पूछा हमने। बाकी ये पूरा देवघर जो ये देवबाड़ बनने से कुछ पेड़ का नाम था उससे बना, बहुत लंबे लंबे पेड़ है और बहुत मजबूत पेड़ है ये सारे। बाकी हमारी जो बृष्टि है पूरी घूम रही है, बृष्टि हाँ ले लो इधर आओ। तो गाइस हम यार फोटोशूट करवा रहे हैं, तो ये भैया, अभी आपका नाम क्या भैया? तो राहुल से हम फोटोशूट करवा रहे हैं, हमने कहा चलो आए हैं तो कुछ फ़ोटो होनी चाहिए। तो मेरी और स्वाता की खिंच चुकी है, ये अभी स्वाता और बृष्टि खिंच रही है, मेरी बृष्टि और स्वाता की खिंच चुकी है, बृष्टि के अकेले खिंच चुकी है। तो गाइस दर्शन हो गए हमारे, चलें आ जाओ बस बेटू, जय जय हो गया है। तो इधर शेर है बाहर मंदिर के बाहर, तो जय जय करना नहीं छूट रही। देखो बृष्टि, तो उसको लेके चलते फिर बताते। तो गाइस आप लोग जब भी आओ हिडिंबा टेम्पल आना मत भूलना, बहुत अच्छी जगह है, टेम्पल भी बहुत अच्छा है और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत बढ़िया व्यू है, मतलब कि ऐसा व्यू बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप दिल्ली से हो तो ज़रूर आओ विजिट करो, बहुत मज़ा आएगा। तो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो हमारी वशिष्ठ टेम्पल, तो हम वहाँ को निकलेंगे। तो ये आदर्श गाँव है ओल्ड मनाली, तब यहाँ पर एंट्री होगी, यहाँ से जाएंगे वशिष्ठ टेम्पल। ये पुल देखो कितना पुराना है, इसलिए इसका नाम भी ओल्ड मनाली है। भैया यहाँ पर कोई, तो गाइज हम जैसे निकले हिडिंबा टेम्पल से, अब हम पहुँचे हैं यहाँ पर क्लब हाउस, द क्लब हाउस मनाली। तो यहाँ पर क्या है देखो, आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखा देता हूँ आपको, मैं दिख रहा होगा मेरे पीछे का व्यू सारा आपको। और यहाँ पर सेम वही ब्यास रिवर जो मैंने बताया आपको, पूरे मनाली में वही है ब्यास रिवर। बाकी थोड़ा सा व्यू बैक कैमरे से दिखा, हमारी बृष्टि देखो ये रही, तो अभी चलते अंदर फिर बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पर 25 रुपीज पर हेड है, अगर बच्चा 10 साल तक का होगा तो लगभग 10 रुपये लगेगा शायद, और बाकी वैसे 25 रुपये पर हेड है। बाकी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि कुछ नहीं होगा छोटे बच्चों के लिए। शायद ये है कि हम लोग जैसे जाए ना बड़े बच्चे, मतलब ये कह सकते तुम 12 साल का अगर बच्चा होगा तो वो आराम से अंदर जाके एंजॉय कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी अंदर एंट्री कर रहे हैं फिर हम देखेंगे क्या है। ओल्ड मनाली टेबल टेनिस वही सब है, नथिंग एल्स एज यूजुअल जो मैंने बात करी थी। ये एंट्रेंस है सेम वही बिलियर्ड विलियर्ड कैरम है, बाकी देखते हैं बिलियर्ड के चार्जेस क्या है तो देख लेंगे फिर। तो गाइस यहाँ पर बड़े बच्चों की गिनती, बाकी छोटे बच्चों के लिए दूसरी जगह पर है, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ देखेंगे क्या है। ठीक है, बाकी मौसम इतना अच्छा है, हमें लोगों ने बोला था मत जाओ भाई बारिश वारिश आएगी बड़ी तेज तेज, पर हमने सुना नहीं, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, बस सर आने में जो 29 घंटे लगे भाई है। बाकी यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी है, आप शॉपिंग भी कर सकते होगे तो, पर मैं करूँगा नहीं क्योंकि आपको पता है बजट बना गया हूँ। तो कैसे आते टाइम मेरे साथ बहुत बुरी हुई थी, मेरा चश्मा जो था बस में छूट गया, इंटरसिटी की स्मार्ट बस थी तो कोई चश्मा मिलेगा तो दे देना मुझे। बाकी मैंने अभी यहाँ पर एक चश्मा ले लिया है, 150 रुपीज़ का पड़ा, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और बाकी ये जगह भी ठीक है, मतलब अभी शायद ऑफ सीज़न है इसलिए कुछ मिला नहीं, बाकी आप आ सकते हो जगह पर। तो यहाँ पर बहुत कुछ जिप लाइनिंग भी हमने देखा लेकिन अभी सब बंद पड़ा हुआ है, तो बाकी कभी आएंगे तो फिर दोबारा देखेंगे, सीज़न जब खुलेगा तब देखेंगे। ये इसका व्यू है सारा। हाँ और एक और चीज़ अच्छी चीज़ है यहाँ पर, आई लव मनाली, तो यहाँ फ़ोटो शूट कर सकते हैं हम एक दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं, बाय बाय बृष्टि, आ जाओ हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं, चलो 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 भैया, लाइन कैसे करते हैं? तो गाइस ये चिराग है आपका यूट्यूब चैनल, चैनल एक्सप्लोर विद सी मैक्स देखिए यहाँ पर, तो सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, ये विदाउट मनी ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे नोमैड शुभम तो उनका तो बहुत फेमस है, इनको भी फेमस कराइए फटाफट, तो ये भी पूरी इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड ही घूम सके बहुत अच्छी तरीके से। तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल का नाम है दीपक ग्री ब्लॉग। ओके ओके, ठीक है, कहाँ से आप? हम लोग दिल्ली से हैं। ओके तो ठीक है गाइस, मिलते हैं। ओके थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर अ ट्रैवल। ओके ओके, थैंक यू, यू टू। आ जा बृष्टि कम।